नमस्कार, आइए बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आज पूरे यूपी से चुनाव से जुड़ी कई सारी बेहद बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। तो अगर आप यूपी के किसी भी जिले से हैं तो इस खबर को एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। और प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इसे एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। अखिलेश और शिवपाल ने अलग अलग मनाया मुलायम का जन्मदिन, योगी मोदी समेत कई दिग्गजों ने दी बधाई। जी हां, आपको बता दें कि लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव जन्मदिन के मौके पर लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पहुँचे, जहाँ अखिलेश यादव ने शॉल पहना कर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा राम गोपाल यादव ने भी शॉल पहनाया। वहीं शिवपाल ने मुलायम के पैतृक गाँव सैफई में केक काट कर पार्टी संस्थापक का जन्मदिन मनाया। मुलायम ने कहा कि जिस तरह हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसी तरह गरीबों का भी मनाया जाए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मायावती की भाजपा को नसीहत, बड़ बोले नेताओं पर कसे लगाम, किसानों की मान लें सारी मांग। जी हां, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों की सभी मांगों के समाधान पर जोर देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथित भड़काऊ बयानों पर रोक लगाने की मांग की। बसपा प्रमुख ने सोमवार को ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग एक वर्ष से आंदोलनरत किसानों के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग स्वीकार किए जाने के साथ साथ उनकी कुछ अन्य जायज मांगों का भी सामयिक समाधान जरूरी है, ताकि वे संतुष्ट होकर अपने घर लौटें। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार कह दे हमें बात नहीं करनी तो कर लेंगे घर वापसी, लखनऊ की महापंचायत में बोले राकेश टिकैत। दरअसल तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लखनऊ के इको गार्डन में किसान महापंचायत हो रही है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के किसान पहुँच रहे हैं। राकेश टिकैत ने बातचीत में कहा कि 3 कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनका समाधान किए जाने की जरूरत है। टिकैत ने कहा कि ऐसा लगता है कि कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा के बाद सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती है। अगर ऐसा है तो सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए, वो हमसे बात नहीं करना चाहती, हम अपने घरों को लौटना शुरू कर देंगे। लेते अगली बड़ी खबर, अखिलेश से लंबी वार्ता के बाद 36 सीटों पर राजी जयंत चौधरी, जल्द हो सकता है ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ अखिलेश यादव की रथ यात्रा प्रदेश भर में चल रही है, तो वहीं गठबंधन के लिए भी लगातार बातचीत चल रही है। एक तरफ अखिलेश ने पूर्वी यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को साथ लिया है, तो वहीं पश्चिमी यूपी में रालोद के साथ डील पक्की होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को पश्चिमी यूपी में 36 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा 2 से 3 सीटों पर रालोद के सिंबल पर सपा के नेता चुनावी समर में उतर सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, प्रियंका का एक और चुनावी वादा, यूपी में सरकार बनी तो लड़कियों के लिए हर जिले में खुलेंगे दक्षता विद्यालय। जी हां, आपको बताने की उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का आधी आबादी को साधने का अभियान जारी है। चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद से कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार घोषणाएं कर रही हैं। इसी क्रम में सोमवार को उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर झलकारी बाई जी जैसी वीरांगनाओं के नाम पर लड़कियों के लिए हर जिले में दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सैफई में शिवपाल का अखिलेश को अल्टीमेटम, गठबंधन को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां, आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के चंदगी राम स्टेडियम में जन्मदिन के मौके पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने दंगल को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को एक हफ्ते के अंदर गठबंधन या विलय का फैसला ले लेना चाहिए। वे गठबंधन या विलय करने को तैयार हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर लखनऊ में सम्मेलन करके अपने लोगों से राय लेकर फैसला लेंगे। दोस्तों, वीडियो के बीच में रुक के आपसे एक सवाल, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा यूपी का चुनाव, नीचे कमेंट जरूर करें। और प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, खबर को एकदम आखिर तक जरूर देखें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत बोले बीजेपी और ओवैसी के बीच चाचा भतीजा का रिश्ता, सीए पर सीधे बात कर लें। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीए की भी वापसी की मांग कर दी है। बाराबंकी में ओवैसी ने सीए को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी भी दे दी है। ओवैसी की चेतावनी पर राकेश टिकैत ने चुटकी ली है। टिकैत ने कहा कि बीजेपी और ओवैसी के बीच चाचा भतीजा का रिश्ता है, उन्हें टीवी पर इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत है, वह बीजेपी
बीजेपी से सीधे बात कर लें। वहीं अगली बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी ने सतुआ बाबा से कहा था तीन लोगों ने देखा है आपत्तिजनक वीडियो। जी हां, आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी ने यूं ही खुदकुशी करके जान नहीं दी। जिस वीडियो के वायरल होने के डर से वो खौफजदा थे, उस वीडियो को प्रयागराज के एक और हरिद्वार में दो लोगों ने देखा था। सीबीआई की जांच में बात सामने आई है कि उस वीडियो को दिखाकर ही आनंद गिरी उन्हें ब्लैकमेल करना चाह रहा था। मौत को गले लगाने से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने इस वीडियो का जिक्र सतुआ बाबा से भी किया था। हालांकि सीबीआई ने इस आपत्तिजनक वीडियो को बरामद कर लिया या नहीं, इसका आरोप पत्र में जिक्र नहीं किया है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, गोरखपुर पहुंचे जेपी नड्डा, सीएम योगी संघ बूथ अध्यक्षों को दे रहे हैं जीत का मंत्र। दरअसल बताने की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे हैं। यहाँ एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से श्री नड्डा गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे। नड्डा ने थोड़ी देर बाद चंपा देवी पार्क में आयोजित भाजपा के बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। इसके बाद वे गीता प्रेस पहुंच गए, वहां गीता प्रेस के ट्रस्ट बोर्ड ने उनका स्वागत किया। अच्छा, अगली बड़ी खबर, मेरठ में मिला गड़बड़ झाला, एक ही बूथ पर एक महिला के नाम से बने 10 वोट। जी हां, आपको बता दें कि मेरठ में विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के पुनः निरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कैंट विधानसभा के दीवान पब्लिक स्कूल के एक बूथ पर एक महिला के नाम से 10 वोट बने मिले। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और मेरठ कैंट विधानसभा के छावनी मंडल प्रभारी सुरेश जैन ऋतुराज ने इस लापरवाही पर आपत्ति जताई। उन्होंने डीएम को लिखी शिकायत सौंप कर सुधार की मांग की। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे के बाद पश्चिमी यूपी को यह सौगात देने की तैयारी, आसान हो सकती है भाजपा की चुनावी राह। दरअसल बताने की तीन नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद माना जा रहा है कि भाजपा को पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी समर में उतरने में मदद मिलेगी। इन कानूनों की वापसी के बाद जाट बिरादरी के प्रभाव वाली 60 से ज्यादा सीटों पर भाजपा की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यही नहीं, पश्चिमी यूपी को अब केंद्र सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच की सौगात मिल सकती है, जैसा कि लखनऊ में है। बताने की कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान ये संकेत दिए। वहीं अगली बड़ी खबर, बूथ गठन व विधानसभा संचालन समितियों में भाजपा आगे, कांग्रेस ने अभी तय नहीं की कमेटियां। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, जिला इकाई की जगह बूथ और विधानसभा कमेटियों की महत्ता बढ़ती जा रही है। बात चाहे मतदाता संवर्धन की हो, मतदाता के दिन बस्ते लगाने, बूथ एजेंट बनाने या घरों से मतदाता को निकालने की, हर स्तर पे बूथ कमेटी ही याद आती है। ऐसे में सभी दल बूथ मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा बूथ गठन के मामले में दूसरे दलों से कहीं आगे है। अब बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें।